नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। दोस्तों मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को स्वाति कंपनी इंटीरियर के बारे में बताया था, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू 2 तारीख को गोरखपुर में चला था। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से एक नया रिक्वायरमेंट बताने वाला हूं, जिसका क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा 7 तारीख को। 7 तारीख को गोरखपुर के ऑफिस में चलेगा, जिसका मैं एड्रेस जो भी ट्रेड है उन सभी ट्रेड के बारे में बताऊंगा। जो कि हो सकता है आप उस ट्रेड से हो तो आप भी अगर वहां पे जा करके जो है अपना सिलेक्शन करवा सकते। जिस ऑफिस का मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ और जिस चीज का रिक्वायरमेंट, उस ऑफिस से और किसी कंपनी से हमें कोई ताल्लुक नहीं है। हमें सिर्फ आप लोगों से है या आप लोगों का एक अच्छा जगह, अच्छा ऑफिस और अच्छा कंपनी मिले। हमें किसी कंपनी के बारे में किसी एजेंट से और किसी ऑफिस से कोई टाइप नहीं है, ना ही हमें कोई लेन देन है। ठीक है, मैं आप लोगों को सभी ट्रेड के बारे में बताऊंगा। जिस ट्रेड से हो सकता है आप भी उस ट्रेड से हो तो आप भी जा करके मैं बताए हुए एड्रेस पे आप जा करके अपना टेस्ट दे सकते हैं और वहां पे अपना क्लाइंट इंटरव्यू करा सकते हैं। आप अपना पासपोर्ट बायोडाटा लेके जाएंगे और वहां पे चाहे तो आप इंटरव्यू करा सकते हैं, नहीं तो आप वापिस आ सकते हैं। आपका अगर सिलेक्शन होता है तो ही आपका पासपोर्ट वहां पे लिया जाएगा, अगर नहीं होता है तो आपका पासपोर्ट वहां पे लिया नहीं जाएगा। आप अपना पासपोर्ट अपने वापिस ला सकते। ये क्लाइंट इंटरव्यू चलेगा 7 तारीख को, 7 अप्रैल को गोरखपुर में, जिसका एड्रेस मैं बता दूं, उसके बाद मैं आपको ट्रेड बताऊंगा। ठीक है, इसका सैलरी और इसका जो इम्प्लॉयमेंट वीजा है वो सभी कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपके ऑफिस का एड्रेस बता देता हूँ। मोहनापुर चौराहा नियर HP प्रज्ञा गैस गोदाम, पप्पू कटरा आइस फैक्ट्री, पादरी बाजार, गोरखपुर। ये एड्रेस है, एड्रेस आप लोग को यहाँ पे शो भी करता होगा। और मैं कंपनी का जो नियम है, यानी कि कंपनी कितने रैंकिंग में है, कंपनी कैसी है, ये भी मैं आपको गूगल में चेक करके बताऊंगा कि कंपनी चेक करने क्या क्या निकल रहा है। आप भी अगर कंपनी को चेक करना अच्छी तरह से जानते हैं तो आप भी चेक कर सकते हैं। मैं चेक करके आप लोग को बता रहा हूँ, वो भी आपको स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा। पहले मैं आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं फर्नीचर फोरमैन। ठीक है, मैं पोजीशन है और कितने आदमी चाहिए, इसमें सैलरी क्या है, सभी ट्रेड से लेकर के और कितने आदमी चाहिए, कितने सैलरी है, सभी चीज मैं बता देता हूँ उसके बाद अगर आप लोग भी अगर इसे भी अच्छी से जांचना चाहते हैं तो आप लोग और भी समय दे करके और भी ज्यादा कुछ जांच सकते हैं, जो कि कंपनी दुबई की है। तो सबसे पहले है फर्नीचर फोरमैन, इसमें क्वांटिटी है 5 लोग चाहिए। इसमें सैलरी आपको मिलेंगे 1800 से 2500 यूएई, यानी कि दुबई में दरहम चलते हैं, और 1800 से 2500 दरहम आपको मंथली के मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद से वुड वीनियर यानी कि जो फर्नीचर लाइन में होते हैं, फर्नीचर लाइन में जो वुड वर्किंग होते हैं उस काम के फोरमैन चाहिए, जिनको जो है इंटीरियर का कुछ थोड़ा बहुत जो भी हो, ड्राइंग देखना पता हो। ठीक है, अच्छा खासा किसी गल्फ का एक्सपीरियंस हो या इंडिया का भी एक्सपीरियंस हो, 4-5 साल का तो चलेगा। ठीक है, इनका जो है ये भी 5 आदमी चाहिए और 1800 से लेकर के 2500 इनका भी सैलरी मिलेगा, जो दरहम में मिलेगा। ठीक है, इंडियन मनी अगर देखा जाए तो लगभग 40 से 45 हज़ार रुपये होंगे। आप गूगल में सर्च कर सकते, गूगल में आप लोग लिखेंगे कि दुबई टू इंडियन INR तो आपको पता चलेगा, या आप 1800 लिख करके INR लिखेंगे तो भी आपको मालूम पड़ जाएगा कितना पैसा होगा। दोस्तों इसमें कितना ओवर टाइम चलेंगे ये सभी कुछ मैं बताऊंगा। अगला जो है वुड विनियर कारपेंटर है, उसके बाद से ये आप देख सकते हैं 1100 से लेकर के 1500 तक सैलरी है। इसमें 20 आदमी चाहिए। वुड पॉलिशर चाहिए, जो भी पॉलिश करते हैं, विनियर पॉलिश करते हैं, वुड पॉलिश करते हैं, जैसे मान के चलिए जिसमें खिड़की हो गया, कोई भी कुर्सी सोफा, कोई भी लकड़ी, यानी कि अगर वो पॉलिश करते हैं या विनियर पॉलिश करते हैं, वो भी आदमी चाहिए, यानी कि पॉलिशर। ठीक है, वुड पॉलिशर चाहिए, 13 नंबर कम से कम चाहिए, 13 आदमी, और उनका जो सैलरी रहेगा वो 1100 से लेकर के 1400 के बीच में रहेगा। ठीक है, इसमें जो ओवर टाइम चलेंगे वो भी प्लस होंगे, तो वो अलग है। ठीक है, उसके बाद से फर्नीचर फिट आउट साइट सुपरवाइजर, यानी कि सुपरवाइजर के टाइप में कहीं पे मान के चलिए किसी गल्फ में आप सुपरवाइजर किए हैं, उसका एक्सपीरियंस आपके पास है तो इसमें चल जाएंगे। उसके बाद से इनका भी सैलरी लगभग 3000 दरहम है। ठीक है, तो इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होना चाहिए, उस तभी ये कंपनी लेगी। उसके बाद से टाइल्स और प्लास्टर मेसन, यानी कि जो मेसन है, जिन्हें टाइल्स लगाना आता है, प्लास्टर करना आता है, ब्लॉक लगाना आता है, टाइल ये ब्लॉक जोड़ना, दीवार जोड़ना,
उन भाइयों का भी इस कंपनी में वांट है, तो मैं तो दोस्तों इसमें भी 10 आदमी चाहिए, इनका भी सैलरी 1100 से लेकर के 1300 के बीच में लगेंगी। अब दोस्तों इसमें डिपेंड करते हैं आपके एक्सपीरियंस कितना है, आपका एज कितना है, आपका गल्फ का एक्सपीरियंस है या इंडिया का एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। जिप्सर कारपेंटर हैं, इसमें भी 15 आदमी चाहिए, 1100 से लेकर के 1500 के बीच में सैलरी लगेंगी। लगभग में आपका सैलरी जो है होगी वो 1300 या 1400 हो, 1100 किसी का नहीं लगेगा, ठीक है, ये सिर्फ इतना ही लिखा है, लेकिन सैलरी ज़्यादा ही होगा, यानी कि 1500 से ऊपर नहीं होगा और 1100 से नीचे नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद से वॉल पेंटर हैं, जैसे मान के चलिए मेरे पीछे वॉल है और ये इसके जो पेंट किया हुआ है वैसे वॉल पेंटर चाहिए, ठीक है, जो कि आउटर साइड का और इनसाइड का झूला पे या बार आउटसाइड हर जगह का जो है वॉल पेंटिंग कर सकते हो, जिसे कलर मिला करके पेंट मारने के लिए, तो उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। उसे टेक्नीशियन चाहिए, तो टेक्नीशियन में भी 5 लोग हैं, इसमें 1500 से लेकर के 2000 सैलरी मिलेंगे। इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन में भी 5 आदमी चाहिए लगभग, ठीक है। अगर जैसे मान के चलिए इसमें 5 आदमी दिए गए हैं, तो इसमें आप मान लीजिए 15 आदमी हैं, तो 15 आदमी में भी चुना जाएगा कौन अच्छा आदमी है, उसका वीजा आएगा, बाकी लोग का वीजा नहीं आएगा, इसीलिए वीजा किसी का आता है किसी का नहीं। अब उसके बाद से प्लम्बर है, प्लम्बर में भी 5 आदमी चाहिए और इनका सैलरी मिलेगा वो 1200 से लेकर के 1800 के बीच में है। और ड्राइवर चाहिए, ड्राइवर आपको लोग देख सकते हैं मस्ट हैवी लाइसेंस जो है उनका वैलिड होना चाहिए दुबई, अगर लाइसेंस उनका वैलिड है और दुबई में वो पहले काम कर चुके हैं, लाइसेंस उनके पास है, तो 5 आदमी चाहिए, 1500 से लेकर के 2000 दरहम आपका सैलरी रहेगा। आपका एक्सपीरियंस अगर अच्छा रहा तो आपको सैलरी बढ़ा भी दिया जाएगा, ये ऑलमोस्ट ऐसा ही। उसके बाद इसमें हेल्पर भी चल जाएंगे, हेल्पर जो किसी पैकिंग वैकिंग के लिए काम आ जाए या ऐसे बिल्डिंग में काम आ जाए, हेल्पर में आप लोग कोई भी काम आपको दे दिया जाएगा और आपको करना है, इसमें भी 900 से लेकर के 1000 के बीच में आपका सैलरी लगेगा। इसमें ड्यूटी आवर्स आपको दे दिया गया है 8 घंटे प्लस ओवर टाइम, आपको 2 घंटे कंपलसरी मिलेगा काम रहने पर ज़्यादा। उसके बाद से एकोमोडेशन ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड भी कंपनी करेंगी, ठीक है, आपका मेडिकल वीजा सब कंपनी देगी, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पे एड्रेस आप लोगों को मैं पहले ही बताया, आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। एक बार और मैं बता दूं कि SBM ट्रेड और ट्रेनिंग सेंटर गोरखपुर में है, ऑफिस का नाम है SBM ट्रेड टेस्ट और ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, मोहनापुर चौराहा नियर SV प्रज्ञा गैस गोदाम पप्पू कटराज फैक्ट्री पादरी बाजार गोरखपुर। तो ये रहा आपका वांट, इसका बारे में बता देता हूँ इसमें क्या है क्या नहीं। JK इंटीरियर कंपनी है दुबई की, ठीक है, JK इंटीरियर को मैं अभी जैसे सर्च करता हूँ और उसको दुबई गूगल पे दिखाता हूँ कि दुबई में कहाँ पे है और किस टाइप की है, क्या क्या काम कराती है, वो सब कुछ, ठीक है। थोड़ा सा 2 मिनट के अंदर मैं बताऊँगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को कंपनी सर्च करके दिखा देता हूँ, जो भी भाई चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ऐसे वांट हमारे पास आते रहेंगे। और इस कंपनी इस ऑफिस में जाते हैं तो आप लोग को इस कंपनी के लिए इम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेंगे, आप लोग को अगर आपका जो है सिलेक्शन होता है तो आपका पासपोर्ट लिया जाएगा, अन्यथा नहीं लिया जाएगा, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको फंसाने के लिए, पासपोर्ट रखने के लिए, दौड़ाने के लिए वाला काम नहीं है। आप लोग इस ऑफिस में जाएंगे एक बार ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अच्छा है इसलिए मैं आप लोग को बता दिया, आप आगे जो है आप जा सकते हैं ऑफिस में, ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो आपका काम है ट्राई करना, जांचना, समझना। आप यहाँ पे जाके भी बता सकते हैं कि मैं वीडियो देख करके आया हूँ और मेरा नाम भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ से मेरा कोई टाइप नहीं है, ठीक है। ये जो ऑफिस है ये हमारे साथ में जो चीज को ट्रेड से संबंधित हो वो ट्रेड में जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही मिलता है, नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपने ख्याल रखें, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे जो पहले मतलब मैं जब स्टार्टिंग में गया था 2017 में लगभग, तो इस ऑफिस से एक बार मैं लगाया था, जो कि एक बहुत अच्छी कंपनी में मैं गया था, इंजीनियरिंग कंसल्टिंग कंपनी में, तो इसलिए यह ऑफिस हमें अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा कि पासपोर्ट लेके फंसाती नहीं है, ठीक है। आप लोग जाएंगे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा, अगर नियर बाय यहाँ हैं UP बिहार गाजीपुर गोरखपुर लखनऊ तो आप जा सकते हैं, यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो भी भाई अगर जिनको भी जाना है एक बार कमेंट करेंगे एक बार पता चलेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप जा करके यहाँ पे ट्राई कर। तो सिंपल इसका कंपनी का नाम लिखेंगे JK इंटीरियर
कंपनी दुबई, ठीक है। तो जैसे ही इस कंपनी को इसमें लिखेंगे इंटीरियर कंपनी दुबई, तो यह बेस्ट इंटीरियर, ठीक है। तो ये जो है आपको पूरा डिटेल्स इसका निकल जाएगा गूगल में, ठीक है। आप लोग इसी से इसी के जैसे आप लोग किसी भी, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैंने सर्च किया है ऊपर में जेके इंटीरियर कंपनी दुबई, तो ये सबसे ऊपर में जो है नहीं आया है, नीचे में आया है जेके इंटीरियर डिजाइनर। यहाँ पे इसका मेल भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसपे आप लोग मेल करके कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑफर लेटर जांच कर सकते हैं, या आपको मेल करना आता है तो आप लोग मेल करके और कंपनी से डायरेक्ट कुछ बात कर सकते हैं। मैं आपको जेके इंटीरियर डिजाइनिंग खोलता हूँ और देखता हूँ कि किस जगह में है और क्या है, ठीक है। तो चलिए मैंने खोलता हूँ और देखता हूँ कंपनी किस प्रकार की है। तो सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं इसका लोगो, ठीक है, लोगो किस प्रकार की है। तो जैसे कि दोस्तों मैं जेके इंटीरियर कंपनी के बारे में मैं यहाँ पे खोल कर दिखा रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे पूरा फुल जेके इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडियो, यानी कि स्टूडियो को आप लोग मेल ये ईमेल पासवर्ड के जरिए अगर खोलते हैं तो इसमें खोल के पूरा अंदर का चीज दिखाएगा, यानी कि उसमें पूरा डिटेल्स दिखेगा। ऊपर में जैसे देख सकते हैं जेके इंटीरियर डिजाइनिंग स्टूडियो इन दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, और इसके बारे में ये सब चीज लिखा हुआ है। इसमें कहाँ पे है, सिटी वॉल्क दुबई, ठीक है, ये सब चीज है। तो इस तरह से आप लोग और भी विस्तार से आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि मान के चलिए जेके इंटीरियर प्रोफाइल है, कंस्ट्रक्शन ऑस्ट्रेलियन जेके इंटीरियर दुबई में है, ठीक है। तो जेके इंटीरियर यानी कि जो कंपनी आपका है वो कंपनी आपको यहाँ पे कंपनी का जो भी नाम है उस नाम से आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका कंपनी कैसा है, ठीक है। इस प्रकार से इसका जेके इंटीरियर करके इसमें लोगो है और ये सब चीज है। इसको और भी विस्तार से आप लोग चेक कर सकते हैं गूगल में और दिखा सकते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे भाइयों का मन में ये डाउट होगा कि ये क्या LLC कंपनी है या कंपनी, तो मैं आप लोग को बताऊं कि LLC ये नहीं है, ये कंपनी है, लेकिन आपका सैलरी से मतलब है, काम से मतलब है, तो ये अच्छी है, ठीक है। और जितना है उतना में मतलब अच्छा इसमें रैंकिंग है, अच्छे जो लोग गए हैं इसमें अच्छे बताते हैं, ठीक है। जो भी भाई स्टेट से हैं, जो भी स्टेट मैंने बताया उस स्टेट से आप लोग इसमें 7 तारीख को जाकर के क्लाइंट इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इसमें अप्लाई करें, नहीं अच्छा लगे तो आप लोग नहीं कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगला वीडियो आप लोग देखिए, इसराइल में अगर आप फ्री सिलेक्शन कराना चाहते हैं इसराइल के लिए फ्री सिलेक्शन, तो वो भी मेरे पास रिक्वायरमेंट है। और मैं जो वीडियो अगला बनाने वाला हूँ वो फ्री सिलेक्शन कहाँ पे होगा, कौन भाई कर सकते हैं, कैसा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा है लंबा, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो में इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो भी कोई भाई कंपनी चेक करके बता दूंगा कि कंपनी कैसी है।